नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। दर्शकों, हम लाए हैं आपके लिए अल्फाबेटिकली यानी कि नाम अक्षर के आधार पर आपका वार्षिक राशिफल। अगर आपके पास अपनी जन्म तिथि नहीं है, जन्म पत्री भी नहीं है, जन्म कुंडली भी नहीं है, तो आप केवल अपने बोलते नाम से ये जान सकते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा काम कारोबार, कैसा रहेगा आपका वैवाहिक जीवन और कितना पैसा इस वर्ष में आपके पास आएगा, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो पूरी सीरीज ए टू जेड तक देखना ना भूले, सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। अक्षर नाम से जानिए अपना भविष्य। शनि का साल 2024 कैसा रहेगा, 2024 में मिलेंगे तरक्की के कितने मौके, कमाई के जुटेंगे कितने साधन, 2024 में भाग्य का मिलेगा कितना साथ, पूरे साल रहेगा किस ग्रह का प्रभाव, धर्म ज्ञान पर देखिए अल्फाबेट प्रेडिक्शन 2024। नमस्कार धर्मज्ञान के दर्शकों का स्वागत है अल्फाबेटिकली प्रेडिक्शन 2024 में। आप सबके लिए हम आए हैं, आप लोगों के लिए। मेरे साथ मैं हूँ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी, मेरी स्वागत है। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। तो ऋषिकेश से आज हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपका नाम सी अल्फाबेट से शुरू होता है, यानी कि सी अक्षर नाम वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए 2024 की शुरुआत कैसी रहने वाली है, आपको 2024 में क्या कुछ है हासिल करने के लिए, आपकी हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ओवरऑल सब कुछ कैसे रहने वाला है। अब अल्फाबेटिकल प्रेडिक्शन देखिए किस आधार पर की जाती है, ये भी हम मयंक जी से जानेंगे। और अगर आप सी अक्षर नाम से हैं तो आपका कौन सा नव ग्रह में से कौन सा ग्रह का प्रभाव आप पे ज़्यादा होता है, किस नेचर के आप लोग होते हैं, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी से लेके आपकी खूबियों के बारे में आज हम मयंक जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो मयंक जी, सबसे पहले क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से रिगार्डिंग ही, तो अल्फाबेटिकल प्रेडिक्शन मतलब का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये किस आधार पर की जाती है? देखिए, अल्फाबेटिकली जो प्रेडिक्शन है, जैसे हम ए बी सी या कोई भी अल्फाबेट है उसके उसका जो नाम अक्षर आता है उसके आधार पे चंद्र राशि हम बना लेते हैं और चंद्र राशि के बेस पर जो है हम फिर प्रेडिक्शन कर देते हैं। जैसे अभी तक हमने ए का किया है तो ए से मेष राशि आती है, बी से अगर करें तो धनु राशि आती है, सी से ऐसी मीन राशि बनती है। तो उस तरीके से प्रेडिक्शन सभी अल्फाबेट्स का करेंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि आपका भविष्य क्या है 2024 का, कैसा रहेगा आपका वर्ष और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कैसा रहेगा, काम कारोबार भी कैसा रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो सी अल्फाबेट वालों का मतलब कौन सा ग्रह स्वामी होता है जिनका प्रभाव इन पर ज्यादा देखने को मिलता है? देखिए, इनके ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि इनकी अगर सी नाम से हम देखें तो मीन राशि बनती है और बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज्यादा इनके ऊपर रहता है। अच्छा, चलिए, मतलब गुरु की कृपा में ये लोग ज्यादा रहते हैं। और अब बात करते हैं आपकी हेल्थ को लेकर, क्या लगता है पूरे साल इन लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी, क्या कहीं कोई समस्या आपको लगता है देखने को मिल सकती है, किस महीने इनकी हेल्थ में इनको थोड़ी सी अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, अगर सेहत के नज़रिए से बात करें तो ये समय इनका, ये जो वर्ष है पर्टिकुलर 2024, सेहत को लेके थोड़ा सा इनको सजग रहना चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि इनकी राशि के नाम राशि के हिसाब से देखें तो उनके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव है जिसके चलते सेहत संबंधी परेशानियाँ थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बना रह सकता है। और तो इस समय आप अपनी सेहत का विशेष कर ध्यान रखें और मार्च का महीना, जुलाई का महीना और सितंबर का महीना, इस महीने में अपनी सेहत को लेकर विशेष आप सजग रहें। रिश्तों के मामले में ये साल इनका कैसे गुजरेगा? देखिए, रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के मामले में ये समय इनका काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन कभी कभी तनावपूर्ण स्थितियाँ भी बन सकती हैं, पति पत्नी के बीच में मतभेद हो सकता है क्योंकि इस समय राहु की स्थिति ये बता रही है कि ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति बना सकते हैं और शनि की ढैया भी है जी। तो यहाँ आपको संबंधों में थोड़ा सा मिठास घोलकर चलना होगा, मनमुटाव से आपको बचना होगा। अगर किसी भी तरह का कोई मनमुटाव है तो उसको दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा तो ये जो है इस समय राहु की जो स्थिति आपकी बनी हुई है वो दूरियाँ पैदा कर सकती है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। मैं जी, आपने हेल्थ में बताया कि थोड़ा सी इनको परेशानियां हो सकती है, पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल मची रहेगी राहु के कारण। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या थोड़ी स्थिरता, ये स्टेबल हो पाएंगे, वहाँ इन्हें कितनी तरक्की मिलेगी? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ जो है इनकी काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही है, यानी अगर काम कारोबार के दृष्टिकोण से बात करें तो काफ़ी अच्छा समय रहेगा और इनको हम देख रहे हैं कि कार्य व्यवसाय में नए कार्य की शुरुआत होने के योग भी बनेंगे। अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा।
जो लोग नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय मार्च के बाद काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरीके से ये मेरे ख्याल में इनके लिए एक अच्छा समय रहेगा। लेकिन इस वर्ष क्या कर रहे हैं आपके अपने कार्यस्थल पर की कोई दिक्कत परेशानी ना आए, तो सबसे पहले तो आपको अपने काम में कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, वरना तो आपका जो काम है बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। और अपने वर्क प्लेस पे किसी से भी आप कोई भी वाद विवाद ना करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा तो भी आपको तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और लापरवाही नहीं करनी चाहिए अपने काम को लेके, ईमानदारी से काम करना चाहिए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी वेल्थ को लेकर, मतलब फाइनेंशियली ये साल आपको कितना कुछ देकर जाएगा, आपकी सेविंग्स को लेकर, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर क्या कहता है 2024? देखिए अगर फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ये वर्ष जो है इनके लिए काफ़ी अच्छा खासा ठीक ठाक रहता हुआ नज़र आ रहा है। बृहस्पति की स्थिति अभी आपके लिए बहुत अच्छी है, संपूर्ण वर्ष ही अच्छी रहेगी, तो पैसे की तो कोई खास किल्लत दिक्कत आपको इस वर्ष में नहीं होने वाली है। चीज़ें धीरे धीरे आपकी लाइफ में ठीक चलती चली जाएंगी और आपका जो है धन आगमन लगातार बना रहेगा। खर्च भी रहेगा क्योंकि शनि की साढ़ेसाती भी है, लेकिन ओवरऑल जो है पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा। कुल मिला के हम ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो हेल्थ वेल्थ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ तो देखिए मैंने मैं जिससे आप लोगों की डिस्कस कर ली है, और अब जान लेते हैं कि आपका लक आपका कितना साथ देगा 2024 में, यानी कि आपका भाग्य प्रतिशत। देखिए भाग्य प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 80-85% भाग्य इनका साथ देता हुआ नज़र आ रहा है इस समय, और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सफलता इस समय मिलेगी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कविता जी जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो कुछ व्यक्ति निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उस चीज़ से अभी इनको बचना होगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, हिम्मत रखनी है और आगे बढ़ना है, और एक समय के बाद निश्चित रूप से आप ज़रूर तरक्की करेंगे इसी वर्ष में। चलिए मैं जी क्या कुछ रेमेडीज हैं और क्या सलाह आप लोगों को देना चाहेंगे? देखिए रेमेडीज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं कि शनि की साढ़े साथी क्योंकि चल रही है तो शनि का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और शनि का उपाय करें। शनिवार के दिन काले तिल, काले चने, सरसों का तेल का दान करें, बादाम का दान करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ओम शन शनेश्वराय नमः इस बीज मंत्र का आपको निरंतर जाप करना चाहिए, जिससे कि आपके जो भी कोई परेशानी चल रही है वो आपको दूर हो जाए। और क्या आपको करना चाहिए कि आपके लिए बहुत अच्छा हो, उसमें राहु का दान आपको करना चाहिए। बुधवार के दिन बहते जल में नारियल प्रवाहित करें जी। अगर ये संभव ना हो सकता है तो किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे नारियल रख देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये कुछ उपाय करने से आपको काफ़ी लाभ मिल जाएगा, काफ़ी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बृहस्पति के तत्व को मजबूत करने के लिए आपको पीले रंग के वस्त्र इस समय ज़्यादा धारण करने चाहिए, या पीले रंग का रुमाल, पीला तौलिया, इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ये शुभ और लाभकारी रहेगा। ओवरऑल कैसा रहने वाला है सब कुछ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जानना चाहूंगी। देखिए ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि सब चीज जो है इनकी तकरीबन जैसे हम कह रहे हैं कि बृहस्पति के प्रभाव के चलते ठीक रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव साढ़े साथी और राहु के चलते आएगा, शनि और राहु के चलते, लेकिन फिर भी ओवरऑल चीजें जो है इनकी ठीक ठाक ही रहेंगी। चलिए हेल्थ वेल्थ पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सब कुछ हमने जाना, और जैसे कि मैं जी ने बताया कि इन पे राहु का प्रभाव भी देखने को मिलता है, ग्रह स्वामी कौन सा इन लोगों का? देखिए इनके जो ग्रह स्वामी है इनकी, अगर सी अल्फाबेट वालों की बात करें तो उनकी मीन राशि बनती है और बृहस्पति का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा रहता है, और बृहस्पति के प्रभाव के चलते इसलिए इस वर्ष शुभ फल मिलेंगे क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। बृहस्पति एक ऐसे ग्रह है जो कि इनकी राशि के लिए बड़े पूरे संपूर्ण वर्ष जो है शुभ फल देंगे। मैंने देखिए शुरुआत में शनि का शनि भी अब मार्गी हो चुके हैं, आपके गुरु भी मार्गी हो चुके हैं, राहु केतु भी अब 18 महीनों तक कन्या राशि में और दूसरे आपके मीन राशि में रहेंगे, तो ये जो चार बड़े बड़े ग्रह हैं ये कितनी बड़ी भूमिका निभाएंगे सी अल्फाबेट से जुड़े जातकों के जीवन में? देखिए ये जो ग्रह है इनके जीवन में बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं इस वर्ष में, और काफ़ी अच्छा ये इनके लिए समय भी रहेगा, लेकिन कुछ जो थोड़ी सी परेशानी शनि और राहु के चलते हैं वो उपाय हमने बताए हैं वो करेंगे तो उससे इनको बड़ा विशेष लाभ मिलेगा। चलिए तो इसी के साथ मुझे अमेश शर्मा जी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।